डरा हुआ दिखता हूँ मैं सर। असल वजह ये कि हर प्रोग्राम में मैं जब माइक उठाता हूँ ये चुप कर जाता है, इसलिए अभी जान है इसमें। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दिल के धड़कनों, यार क्या दिल है यार हमारा भी, देखो ना हमारा दिल पेट्रोल पंप के साथ धड़कता है। 10 रुपए पेट्रोल पंप में तेल अप हुआ तो हमारा दिल धड़म 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 धड़म, 5 रुपए सस्ता होता है तो धड़म धड़म धड़म, क्या दिल है यार। ऐसे दिलों की कदर करना चाहिए। बाकी आप सब ऑडियंस सब ठीक हो, समान सर वीर साहब सब ठीक हो, आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, कितने बीमार हूँ सर, कोशिश रहा हूँ। तो आप इस सब्जार में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो, घास पे बैठे हुए हो, बता दे इसी वक्त में इस प्रोग्राम को पोलोकिरण के मेटिजार में भी चेंज कर सकता हूँ, आप वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अजीब सा लगा, कुर्सियों में भी हैं, घास में भी बैठे हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर आपको भूख लगी है ना, भूख लगी है तो भी उसका इलाज हमारे पास है। वह दौला शरीफ आप सब जाएं, सारे बाजार जाके जिस दुकान से जो भी मिले आप उठा के खाएं। लेकिन एक बात याद रखो, उधार मोहब्बत के कैंची है, पैसे देके खाना है। सब चीजें चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे, लेकिन क्या है पता नहीं आगे इस्लामाबाद में ये सियासी मामला हलचल मचा हुआ था, किसी को कोई खबर। लेकिन मैं तो सोचता हूँ ना, हमें क्या है यार, कोई आदम एतमाद पे हारे कोई जीते, मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा क्या काम, जो भी हो आप भी ये सोचते हो कभी नहीं, आप लोगों का चेहरा गजब की तरफ है, कान इस्लामाबाद की तरफ करके बैठे हो। तो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस गजर में जीबी में देखा है ना आपने, देखा क्या देखा है, मोटरसाइकिल पे लड़का आता है, हमारे गजर के ट्रैफिक पुलिस उसको इशारा करते हैं रुको रुको, नहीं रोक नहीं रुकता है वो लड़का, तो क्या करते हैं बेचारा ट्रैफिक पुलिस, पीछे से वो उसका वो कैरियर पकड़ के यार रुको रुको रुको, रोकते उससे पूछते हैं कि भाई उम्र क्या है, 12 साल, पढ़ते कितने हो, 6th क्लास में, तो ये लाइसेंस कागजात कुछ है नहीं, जा कहाँ रहे हो, अबू ने ईद मेहमान आए हैं बाजार में गोश्त खरीदने बेच दिया, यार खुदा का खौफ करो यार, मेहमान अजीज है या आपकी बच्चे की जान अजीज है। ट्रैफिक वालों को तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन इस खजाने में भी कुछ पड़ा है, सोचो ट्रैफिक पुलिस को क्या है यार हमें पकड़ता है, लेकिन खसारा हमारी अपनी है। और एक फिर वो क्या करता है, बच्चे का वालिद को पता चलता है कि भाई मेरे बच्चे को ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा है, दौड़ते हुए आता है कहता है भाई जान आप मुझे नहीं जानते हो, मैं टीचर हाई स्कूल का, ये मेरा बच्चा है, ओ भाई, वो कहता है कैसे जो मेरा खास है, भाई एसएचओ ने तो आपके लिए बेहतरीन रूम का अरेंज किया है, वहाँ बच्चे को के साथ आपको अंदर डालेगा हवालात में, वहाँ उसको ट्यूशन पढ़ाओ। एक आदमी आता है बाइक लेके, छोटा लड़का है, पुलिस वाले रोकते हैं, कहता है मैं एसपी का कजन हूँ, अच्छा आप एसपी के कजन है, फौरन ट्रैफिक पुलिस वाले एसपी को कॉल करते हैं, सर ये आपका कजन है, कम उम्र वाला है क्या करें, यार कजन नहीं मेरा बेटा है तो उसको हवालात भेज दे। डीसी का एक बंदा आता है गाड़ी लेके, उसका बेटा है क्या है पता नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोकते,
रॉक पे कहते हैं कि भाई क्या है, छोटा लड़का है, किधर जा रहे हो इतनी स्पीड से? कहता है तुम मुझे नहीं जानता, मैं डीसी का बेटा हूँ। और डीसी को काम करते हैं, सर आपका बेटा नहीं है, वायलेंस कर रहा है, ट्रैफिक लापरवाही कर रहा है, यार उसको उसी जगह से हवालात भेज दो, जेल भेज दो, इस तरह का मेरा कोई बेटा नहीं है। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा सलाम है तुझे, और हम ही हैं जो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी उम्मीद है कि आपने जान आएगी यार, दिल्ली के फनकार बैठ गए, क्या सेंस लेके जाएंगे। प्लीज प्लीज आपने हमें जिंदगी में बहुत इज्जत दी है, अब भी थोड़ा जान पैदा कर। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन एक बात है, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर पता ना चले तो मेरी अपनी गाड़ी के कागजात नहीं है।